सलाम नमस्कार की हाल चाल लेके आगे हम 5 ऐसे रूल जो आपको रिच और फाइनेंशियली फ्री करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले। अगर सीरियस हो तो इस वीडियो का एंड तक बने रहना, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास फैमिली में आने वाले हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देन फर्स्ट रूल की बात करें वो है फोकस ऑन मेकिंग मनी देन सेव मनी। हम में से ज़्यादातर लोग पैसा सेव करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ये ज़रूरी भी होता है, लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल स्टेप नहीं ले पाते और वो होता है अपनी मनी को इंक्रीज़ करना। अब ये कैसे किया जाए आप मुझे बताइए। आप अपनी ड्रीम कार को 26 की उम्र में चलाना चाहते हैं या 56 की उम्र में? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा तो सेव करना, लेकिन उसके साथ उस पैसे को सही जगह काम में लगाना। और उस पैसे को आप कहाँ लगा सकते हो? खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके, खुद की स्किल्स बढ़ा के और खुद की वैल्यू बढ़ा के। अब रूल नंबर सेकंड की बात करें वो है इंक्रीजिंग योर वैल्यू, यानी अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा लो कि पैसा आपको फॉलो करने लगे। और वैल्यू किस तरीके से बढ़ जाती है? अपनी इनकम का छोटा पार्ट खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके। जैसे आप मनी के ऊपर कोर्सेज बाय करो, अच्छी बुक्स पढ़ो और अच्छी वीडियोज़ देखो। और इसी के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोज़ देख सकते हो जिनके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप जब खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो उसके साथ खुद पर अप्लाई करना भी सीखो, क्योंकि वैल्यूएबल लोगों को आपने देखा होगा वो सालों तक खुद के ऊपर मेहनत करते हैं, लेकिन जिस दिन वो सक्सेस हो जाते हैं तब उनको पैसा फॉलो करने लगता है। तो ये पावर होती है आपकी वैल्यू बढ़ाने पर। रूल नंबर 3 की बात करें वो है मोर यू लर्न एंड मोर यू अर्न। अगर आप भी इस मनी गेम को अच्छे से समझना चाहते हो, इस मनी गेम को डीपली समझना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है खुद की लर्निंग पर फोकस करें। खुद की लर्निंग को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं वो है मनी से रिलेटेड वीडियोज देखिए, बुक्स पढ़िए और कोर्सेज बाय करें। इससे आपकी लर्निंग भी बढ़ती है और इससे आपको मनी गेम का नॉलेज होता है। जितना आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओगे उससे आपकी इनकम इंक्रीज होगी और उसके साथ आपकी मनी भी इंक्रीज होगी। जितना आप अपनी लर्निंग पर फोकस करते हो अर्निंग आपकी उतनी ही बढ़ती जाती है। रूल नंबर 4 कॉल टू एक्शन। आप जितना चाहे बुक्स देख लो, जितना चाहे कोर्सेज देख लो, जितनी चाहे अपनी लर्निंग को बढ़ा लो, तब तक वो चीज़ काम की नहीं जब तक आप उन्हें अप्लाई नहीं करें। और किसी महान शख्स ने यही कहा है कि दुनिया में इंफॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन इंप्लीमेंटेशन पर आपको वर्क करना है, यानी अप्लाई करने पर वर्क करना है। क्योंकि जितना आप सीख अगर वही आप खुद पर अप्लाई करते हो तो आपको इससे पता भी चलता है कि आपको रिजल्ट मिल भी रहा है या नहीं मिल पा रहा है। रूल नंबर 5 है पॉजिटिव थिंकिंग। आपने रिच और फाइनेंशियली फ्री लोगों को देखा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये लोग आज इतने रिच और इतने फाइनेंशियली फ्री क्यों हैं? कभी आपने सोचा कि क्या इनकी लाइफ में भी कभी बुरा समय आया होगा? और आया भी होगा तो इन्होंने उस बुरे समय का सामना कैसे किया होगा? तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखा, वो है अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रख। क्योंकि आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते तो आपके बुरे समय भी आपके सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। और आपने नेगेटिव लोगों को देखा होगा, अनसक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, तो कभी आपने उनकी थिंकिंग पर फोकस किया है? हमेशा वो लोग नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा वो लोग डीमोटिवेट रहते हैं, जिसकी वजह से आज वो लोग अनसक्सेसफुल है। अगर आपने सोच लें कि आप इस काम को करके रखो और आपको इससे पैसा आएगा तो वो डेफिनेटली आता है। अगर आप ये सोच लेते हो कि दुनिया में आपसे कोई काम नहीं हो सकता तो 101% गारंटी होती है कि आप वो काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी थिंकिंग आपने उस तरीके से डेवलप कर ली होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ मनी गेम को समझने के लिए 5 रूल्स। आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।